Hello students, welcome to the IIT YouTube channel. In today's lecture, I will be taking the subject of knowledge management. And this is the first lecture in which we are going to start with the first unit, which is business intelligence and business decisions. Knowledge management में हमारी ये जो topic है, पहला topic है, a knowledge management and decision support model for enterprises. एक नॉलेज मैनेजमेंट और डिसीजन सपोर्ट मॉडल एंटरप्राइजेस के लिए इसका इंट्रोडक्शन है. नॉलेज मैनेजमेंट इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच प्रपोजेस मेथड्स फॉर मेकिंग नॉलेज एक्सप्लिसिट बाय रिप्रेजेंटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. आपका जो नॉलेज मैनेजमेंट है ये क्या है, ये कंप्यूटर साइंस के लिए एक ब्रांच है या फील्ड है जिसमें मेथड्स आते हैं नॉलेज को एक्सप्लिसिट बनाने के लिए, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए. नॉलेज मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स हेंस अ क्रूशियल एक्टिविटी स्पेशली इन मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस. ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी जो मीडियम या लार्ज एंटरप्राइजेस में कैरी आउट होती है. सच ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग देयर डेली एक्टिविटीज. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन अपनी डेली एक्टिविटीज की ड्यूरेशन में. नॉलेज मैनेजमेंट अलाउज कंपनीज टू अवॉइड लॉसेस ऑफ रेलिवेंट नॉलेज एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. नॉलेज मैनेजमेंट इसके अलावा अलाउ करती है किसी कंपनी को कि वो अवॉइड करे रेलिवेंट लॉसेस को या रेलिवेंट नॉलेज के लॉसेस को और इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी को इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स की मीन्स से और शेयर करें और यूज करें. मोर ओवर अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटरप्राइज नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा करंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इनेबल करता है डिसीजनल प्रोसेस को और प्रॉब्लम सॉल्व को. द ग्रेट अटेंशन पेड टू सच इश्यू हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ एड हॉक फ्रेमवर्क्स known as knowledge management system. अगर इन्हीं सर्विसेज को अटेंशन पे किया जाए तो ऐसे इश्यूज मिलते हैं हमें जो हमें प्रोवाइड करते हैं एड हॉक फ्रेमवर्क्स जिन्हें बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. वो इनेबल करते हैं कोऑर्डिनेशन एक्सेस और नॉलेज एसेट्स की प्रोसेसिंग. द अमाउंट ऑफ नॉलेज कैरेक्टराइजिंग एन एंटरप्राइज is composed either of structured knowledge but also or of several unstructured documents. Knowledge की एक characterizing की amount किसी भी enterprise में composed करती है या तो structured knowledge को और unstructured documents को, typically written in natural language, जो basically written in natural language में. In this scenario, it is relevant to design appropriate representation forms. स्टोरेज मेथड्स एंड क्वेरी प्रोसीजर्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स. इस सिनेरियो में ये इम्पोर्टेंट है कि हम डिजाइन करें इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स को, स्टोरेज मेथड्स को और क्वेरी प्रोसीजर्स को, दोनों तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के. यूजुअली मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट्स इज कैरीड आउट बाय रिलेशनल डेटाबेसेस. जितना यूजुअली जो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट्स का मैनेजमेंट है वो रिलेशनल डेटाबेसेस के थ्रू ही कैरी आउट किया जाता है. However, the representation in queries with traditional database present some limitations since a fixed and invariable definition of data set correlations in finite set of keywords can be exploited to make a query. Usually, देखा जाए तो structured context का management carry out किया जाता है relational databases से. हालांकि representation of queries traditional databases की present करती है कुछ limitations. क्योंकि एक फिक्स और एक इनवेरिएबल डेफिनेशन डेटा सेट कोरिलेशन की होती है और एक फाइनाइट सेट ऑफ कीवर्ड्स को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक क्वेरी बनाने के लिए. अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स ऑन द अदर हैंड आर कंपोज्ड बाय नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय सेमेंटिक एम्बिग्युइटी. फॉर दिस रीजन इट रिजल्ट्स मोर डिफिकल्टी टू ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंट एंड एक्सट्रैक्ट सच काइंड ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन सच एज the process should involve an automatic comprehension of natural language. The proposed model integrates several artificial intelligence methodologies for the analysis.
in order to deal with both structured and unstructured contents. जो प्रपोज मॉडल है वो इंटीग्रेट करता है बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेथोडोलॉजीज को, उनके तरीकों को, किस काम के लिए, एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन के लिए, नॉलेज के, जिससे कोई स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर कंटेंट्स डील हो सके. स्ट्रक्चर नॉलेज हैज बीन मॉडल्ड बाय मींस ऑफ ऑन्टोलॉजी. स्ट्रक्चर नॉलेज में ऑन्टोलॉजीज के थ्रू मॉडल की जाती है. दिस चॉइस इज ड्यू बोथ टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑन्टोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एंड टू द पॉसिबिलिटी टू इन्फर न्यू नॉलेज. ये चॉइस इसलिए कि जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी मिले ऑन्टोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की और पॉसिबिलिटी मिले नई नॉलेज को इन्फर करने के लिए जो कि ऑलरेडी फॉर्मुलाइज है उसमें से. यूजिंग रीजनिंग इंजन्स सच अ सॉल्यूशन अलाउज कंपनीज टू एनरिच देयर नॉलेज कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल एसेट्स. फर्दरमोर द सिस्टम एक्सप्लॉइट्स बेजियन डिसीजन नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट. दिस लास्ट मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन an unsupervised methodology of analysis and representation of documents which captures latent relations between words. Theoretical background, knowledge management system kya hota hai? Knowledge management according to the discipline which studies methods and techniques that make knowledge explicit and allow the sharing of the professional expertises and informative resources available in the organization. Knowledge management एक वो डिसिप्लिन है जो मेथड्स और टेक्निक्स को स्टडी करता है, जो नॉलेज को एक्सप्लिसिट बनाती है और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को शेयर करने में हेल्प करती है, इन्फॉर्मेटिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन में. देखा जाए तो नॉलेज मैनेजमेंट यूजेस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नॉलेज डिफ्यूजन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्क टीम्स. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं नॉलेज का डिफ्यूजन, इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी वर्क टीम्स की. Knowledge management systems make data, information and knowledge coming from different sources readily available, managing both explicit and tacit knowledge. Knowledge management systems data, information or knowledge को different sources से जो आती है available readily करते हैं, manage करते हैं explicit knowledge को और tacit knowledge को. In order to accomplish such goals, knowledge management may exploit different technologies taken from different fields. Such as document based for the creation. देखा जाए तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए नॉलेज मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट करता है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को जो ली जाती है अलग अलग फील्ड में से, और जैसे कि डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट शेयरिंग कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज को. ऑन्टोलॉजी टैक्सोनॉमी बेस्ड यूजिंग ऑन्टोलॉजीज इन क्लासिफिकेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज. Knowledge concepts are structured in hierarchical structures describing also relationships between them. Knowledge concept को hierarchical structures में arrange किया जाता है जो describe करते हैं उनके बीच का relationship. Such methodologies act on explicit and tacit knowledge. ये की methodologies हैं जो act करती हैं explicit knowledge और tacit knowledge में. AI based using particular deep inference engines to resolve specific domain problems. AI based tools भी हैं जो पर्टिकुलर इंफरेंस इंजन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक डोमेन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए. ऑल दीज टेक्निक्स जनरली मैनिपुलेट टैसिट नॉलेज. ये जो टेक्निक्स है ये मैनिपुलेट करती है टैसिट नॉलेज को. इन दिस वर्क वी प्रपोज डिफरेंट अप्रोचेस फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग. इसी काम में हम अप्रोच प्रपोज करते हैं बहुत सारे अप्रोचेस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए और रीजनिंग. Particularly, we consider a document-based approach relied on a data-driven creation of semantic spaces. देखा जाए तो हम एक document-based approach को consider करेंगे जो rely करेगा एक data-driven creation पे semantic spaces की, और ontology-based approach in order to formalize the domain of interest. Moreover, we exploit the ability of Bayesian networks to represent the knowledge affected by uncertainty. The Bayesian networks provide also decision support for a wide range of problems involving uncertainty and probabilistic reasoning. These methodologies can be integrated in order to obtain hybrid systems which can be benefited from the main advantages of the different approaches. Now let's come to semantic spaces. Semantic spaces are sub-symbolic models extensively used in information retrieval which represent the semantic of large textual corpora in high-dimensional vector spaces.
सेमेंटिक स्पेसेस सब सिंबॉलिक मॉडल्स हैं जो यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, और ये ही रिप्रेजेंट करते हैं एक लार्ज टेक्सचुअल फॉर्मूला हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस में. द मेन फीचर ऑफ दीज मॉडल्स इज दैट दे आर जनरली बिल्ट बाय मींस ऑफ अनसुपरवाइज्ड प्रोसीजर्स एक्सप्लॉइटिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सेमेंटिक स्पेसेस रिलाय ऑन द सो कॉल्ड जियोमेट्रिक मेटाफोर ऑफ मीनिंग. It's possible to get information about a word analyzing the context in which it occurs. The space is created analyzing the distribution of words in corpus, placing those with similar distribution in closed space areas. Natural language elements such as sentences, sections in documents are represented into these models and are related to each other on string to the proximity of the corresponding vectors. In this context, documents are seen as topical units and words as topical indicators. In particular, latent semantic analysis, LSA, is a technique that is generally adopted in semantic space representation. The strength of LSA is an induction dimension optimization obtained through the truncated single value decomposition applied on a word document and co-occurrences matrix. The TSPD allows the reduction of the matrix sparsenesses, obtaining new representation which captures indirect higher order association between words. So students, आज के लेक्चर को हम यही wrap up करेंगे. आगे का टॉपिक हम next लेक्चर में कवर करेंगे. And thank you so much.